भाई 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 पानी निकलते हैं भाई, निकलते पहले निकल ले। हाँ इसको रखता हूँ। हरा दादा हाय, मेरा नाम है ओम और आपको थंबनेल और टाइटल देख के आइडिया लग गया होगा कि हम हैं निधिवन में। निधिवन ये निधिवन कहाँ का निधिवन है, कौन सा निधिवन है, मैं आपको पूरा बताऊँगा। पहली बात मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये आप देख रहे हैं ये है अमरूद का पेड़। ये क्या है, ऐसे लेटा हुआ है और यहाँ पे अक्सर जितने भी सारे पेड़ है ना उनकी हाइट है छोटी और वो है झुके हुए। मैं आपको सारे पेड़ दिखाता हूँ, कहते हैं बहुत उस, और मैं बताता हूँ कि इसको निधिवन क्यों कहा जाता है। यहाँ पे बहुत पहले जो ये पूरा एक किला था और जिसका थोड़ा सा पार्ट रह गया उस तरफ किले का, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बहुत पहले जो राजकुमार रानी थी उनको सपना आया था कृष्ण जी का और उनको कृष्ण जी के चरण पादुका मिली थी। वो चरण पादुका आज भी मंदिर बना के वहाँ पर रखा गया है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। कई लोग का मानना है कि किशन जी आज भी यहाँ पे उनको मतलब उनके होने का एहसास, बांसुरियों का एहसास, लोग को मतलब बहुत चीज़ें देखने को मिलती है और यहाँ पे आके अगर जो लोग विश मांगते हैं उस मंदिर के पास उनकी विश भी पूरी होती है। कई लोग का मानना है कि वो लाइक जिन औरतों को बच्चे नहीं होते ना वो लोग वहाँ पे अगर आके बोलते हैं कि हमें भी किशन जी जैसा एक छोटा सा बच्चा हो लल्ला हो तो वो ज़रूर उनकी विश पूरी होती है। मैं आपको वो मंदिर भी दिखाऊँगा एंड कई लोग के कमेंट आएंगे कि आप वो जगह कहाँ वो बताओ, तो कमेंट में अभी सभी आपको सभी को लिखना है जय श्री कृष्णा। अभी मैं आपको इस ये पूरी जगह दिखाता हूँ, ये निधिवन जो है यहाँ का मैं आपको वो दिखाता हूँ। पहली बात तो बहुत गर्मी हो रही है इसलिए हमने जीन्स वीन्स नहीं डाली है, थोड़ा कैमरा ऊपर करो, मच्छर बहुत ज़्यादा है, मच्छर को भी देखना है। और हम किशन जी को कोई यहाँ पे लाइक दावा करने नहीं आए, बस हम उनका चमत्कार देखना है, मतलब ऐसे किशन जी को ढूंढना या फिर ऐसे उनकी शक्तियों का मतलब चाहे कोई चैलेंज वैलेंज नहीं। फिर भी अगर किसी की भावनाओं को मैं किसी प्रकार से कोई ठेस पहुँचा रहा हूँ मैं माफ़ी चाहूँगा, पहले पूरी वीडियो देखना मेरी। और हम मैं किशन जी का पहली बात तो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं कोई चैलेंज वैलेंज करने नहीं आया, बट उनका कुछ चमत्कार मैं यहाँ पर देखने आया हूँ। तो क्या मुझे कोई ऐसा चमत्कार देखने को मिलता है, क्या किशन जी मुझे अपना कोई चमत्कार दिखाते हैं, चलो देखते हैं। और मैं आपको पूरा ये निधिवन दिखाता हूँ एक बार। पेड़ एक बार पांडित दिखा इनको, इन पेड़ों की हाइट नहीं होती, ये ऊपर जाने के बाद ना ये झुक जाते हैं, जैसे निधिवन के पेड़ हैं वैसे ही ये पेड़ यहाँ के जितने पेड़ हैं अक्सर 95% यहाँ पेड़ झुके हुए मिलते हैं। आपको दिखाता हूँ इधर पांडित पीछे दिखा, ये सब पेड़ जो मैं आपको दिख रहा हूँ ये ऐसे नीचे की तरफ झुक गए हैं, सारे के सारे पेड़ नीचे की तरफ झुक गए हैं। और अभी हम चल रहे हैं इसमें घूम रहे हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या भगवान हमें दर्शन करवाते हैं, फिर कुछ भी चमत्कार के हमें देखने को मिलता है। ये ऐसे जाके ये नीचे और यहाँ पे देखो ये ऐसे जाके ये नीचे, ये मतलब बिल्कुल यहाँ के पेड़ झुके हैं निधिवन के अपने जैसे पेड़ हैं, सेम पेड़ यहाँ के भी। यहाँ पे आप देखो, ये देखो यहाँ पे कई लोगों ने हल्दियाँ लगाई हैं, लोग आके मनते मांगते हैं पूजा करते हैं, जैसे निधिवन के पेड़ को पूजा जाता है यहाँ के पेड़ को ही पूजा जाता है। तो भगवान का कुछ ही चमत्कार हमें देखने को मिलता है, आपको दिखा दें। और रोड है उस तरफ हाईवे है तो वहाँ से मतलब डबल डबल रोड है तो वहाँ का शोर भी आई थिंक आ रहा होगा, वो भी थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त करना क्योंकि हमें ना काफ़ी लेट नाइट परमिशन नहीं मिली यहाँ पे, मतलब ये था कि आप जल्दी जाओ और जल्दी करके जो भी वीडियो बनानी 1-2 घंटे में आप लोग वहाँ से निकल जाओ, तो देखो 1-2 घंटे में क्या होता है वैसा। उस तरफ भी कुछ लोग हैं तो यहाँ की तरफ ना रातों को सबसे ज़्यादा डर यहाँ पे ये भी है। गार्ड ने मना किया था कि जहाँ पे मंदिर है वहाँ की तरफ चर्ची लोग भी बहुत हैं, बट फिर भी हम आए, आई थिंक वो होंगे 2-4-6-8 लोग हैं हमें देख के गए, क्योंकि कहते हैं जो डर गया वो मर गया, वो यहीं पर बैठे थे मैं फिर भी आए इस तरफ। पढ़ने पर दिखा मैं चढ़ा, ये दिखाओ किशन जी की मूर्ति रखी हुई है, किशन जी की मैं चप्पल खोल रहा, चप्पल खोल के बस चलते हैं वो यहाँ से दिखाओ वो चरण पाद का, अगर आपको दिख रही हो सही से देखो, जूम कर चरण पाद के पास दिया जलाया गया है, देखिए। चलो तो अभी पांच चौकीदार आ गए, पांडे चौकीदारों से बात कर रहा है कुछ फिलहाल। देखो ये इतना बड़ा पेड़ है बट इसकी भी टहनी ऐसे नीचे की तरफ आई है जमीन की तरफ। अभी क्या हुआ कि ना जो गार्ड थे वो आ गए एंड उन्होंने कहा कि जिस तरफ मंदिर है ना उस तरफ जो चर्ची लोग बहुत बैठे होते हैं तो उस तरफ आप लोग मत जाइए, आपको उस तरफ जाना है चले जाइए, बट यहाँ से जितनी जल्दी हो सके यहाँ निकल जाए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना सेफ नहीं है और रातों को यहाँ पे
जो यहाँ के पुजारी हैं वो भी रुकने को मना करते हैं, कहते हैं कि किशन जी जब ऐसे लीला वीला करते हैं तो किसी को देखना नहीं चाहिए। तो मैं 12 बजे के बाद मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कृष्ण भगवान कुछ तो ऐसा करके दिखाएं ताकि चमत्कार जो देख के मुझे मतलब मैं खुद खुश हो जाऊँ, ऐसा कुछ है। हमारे कोई चैलेंज नहीं है, अभी फिलहाल चलते हैं आगे की तरफ। और कुछ आवाज मूवमेंट हो रही है, जानवर तो नहीं है आसपास में। जानवर तो नहीं है यार, थोड़ा ये लगा कुछ झूला हुआ जैसे कोई झूल रहा है उसको, कोई यहाँ पे झूल रहा था। पांडे देख ये एक्टिविटी हो रही है पर डर नहीं लग रहा बिल्कुल भी, है ना? ऐसा लग रहा है बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, ऐसा डर वाला बिल्कुल लग ही नहीं रहा। ये सब चीज़ें ना कोई है पीछे कुछ कोई जा रहा है आसपास से कोई जा रहा है। पेड़ देख पा रहे यार बिल्कुल ना निधिवन जैसा फील आ रहा है, अगर आप निधिवन गए हो ना तो बिल्कुल वही फील आ रहा है। भाई 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 क्या हुआ? ये देख ये पानी भरा हुआ है। चल 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 यहाँ पे कई कई जगह तो लाइट लगाई हुई है पांडे, है ना? लाइक 95% बोल सकता हूँ पेड़ में ऐसे झुके हुए हैं और ज़्यादा उनकी हाइट नहीं हुई है। ये देखो गार्ड भी कह रहा है कि अब चले जाओ, बट एक बार ना पर थोड़ा सा आ गया मैं चाहता हूँ ना कि किशन भगवान जो है एक बार अपना जो दर्शन है वो कुछ भी अपने होने का एहसास तो करवाएं यार, तो यार कुछ तो ऐसा लगे। ओए ओए भाई 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 ये तो गिरा तो यार ये कहाँ से आ रहा है? मोर वोर भी नहीं है कहीं, ये यहीं से पड़ा हुआ था क्या था? नहीं नहीं अभी कैमरे के सामने से ऐसे जाके गिरा ही मम्मी कसम। हाँ सच में पानी निकलते हैं भाई, निकलते पहले निकल ले। हाँ इसको रखता हूँ। देखो मेरी गाड़ी में एक किशन जी यहाँ पे हैं, किसी को कुछ लगे तो। एक किशन जी यहाँ पे हैं, एक किशन जी यहाँ पे हैं,
अगर बाहर की तरफ रोड की तरफ गाड़ी वाड़ी चलती आपको दिख रही होगी, मैं भी किशन जी का बहुत बड़े भक्त हूँ। और मेरे को एक बात ये समझ नहीं कि मोर जो मोर की पंखड़ी है पांडे, या तो ये ऊपर ऐसे ना कहीं देख, अगर फंसी हो सकता है, देख ये हो सकता है नेचुरल है कि बाग में ना इस तरह के मोर आते होंगे, उसमें पंख भी होना लाजमी होंगे कहीं ना कहीं। लेकिन मेरे को एक चीज ये लग रही है कि वो हमारे पास ही आके क्यों गिरा, और जब हमने ऐसे आके भगवान कुछ तो करके दिखाओ, कुछ तो ऐसा लगे ना, तो इसको एक कम चमत्कार भी मान सकते हैं। मतलब उस टाइम इसका ध्यान पता नहीं अचानक से, मतलब हालांकि हर टाइम ये कैमरे की तरफ ही देखता है, लेकिन फिर भी उस टाइम अचानक से तेरा ध्यान कहीं और था, और सडनली कैमरे के सामने से ये चीज नीचे गिरी। तो मैं जब गिरी तो मेरे को लगा पता नहीं क्या गिरी, मैंने देखा यार मोर का पंख, और ऊपर के ऊपर पेड़ था, ऊपर पेड़ के थे जो, तो मेरे को एक बार को लगा कि ये ना गया शायद ऊपर फंसा हो और शायद वहां से नीचे गिरा हो, एक हो सकता है फिर, या तो फिर भगवान ने चमत्कार दिखाया। देख हो सकता है कि कोइंसिडेंस हो कि वहां पेड़ के ऊपर अटका हो वहां से गिरा हो, लेकिन मेरे को बस इतनी चीज खटक रही है मन में कि ये हमारे सामने ही क्यों आया, और हमने कहा कि भगवान कुछ तो करता है और उसी टाइम पे। तो ये मैं बोल सकते हो आप लोग की कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं इसको भगवान की एक लीला मानूंगा कि जैसे ही हमने मतलब हमने बोला कि कुछ चमत्कार दिख जाए, जिससे हमें बचा की विश्वास है हमें भगवान पे पूरा है, लेकिन बस एक लगता है कि यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर सच में है क्या, तो हाँ सच में। और अगर अगर आप लोग चाहते हो कि ये निधि वन का है, ये निधि वन वो वृंदावन वाला वन कहाँ पे किस जगह पे, और कई लोग को होता है कि वो उनको आके इस मंदिर के पास, इस तरह से हम वीडियो में नहीं बता सकते, आप चाहते हो इंस्टाग्राम पे डीएम करना वहां पे बता देंगे। नहीं यार वो बहुत सारे लोग करेंगे, अगर आप लोग चाहते तो हम इसका डे व्लॉग बना के हम डालेंगे दोबारा पार्टी बनाएंगे। की सबसे अच्छी बात पता है मेरे को क्या लगी, जो मंदिर था ना देख, वो जो चरण पादुका थी वो आज तक इतना सिक्योर करके रखा हुआ है, देख ताला लगा के कोई निकाल ना ले, क्योंकि चोर वगैरह जिस हिसाब से यहाँ पे चर्ची वगैरह, क्योंकि बाघ बहुत बड़ा है। और रानी रानी आज भी मतलब रानी को दिखे थे सपने में चरण पादुका, और वो किशन जी को मतलब बहुत मानती थी, तो उसके बाद भी कहते हैं किशन जी आज भी इधर दिखते हैं, मतलब चमत्कार उनके होते रहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यही तक रखते हैं। ये निधिवन का अगर आप लोग को एड्रेस जानना है, ये इसको एक मिनी निधिवन बोल सकते हैं बिल्कुल, और इसका एड्रेस आप लोग को जानना है तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सभी को जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण, बोल रहे राधे राधे।